नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पूर्वी गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। सौर मंडल में जितने भी ग्रह और उपग्रह सैटेलाइट सबकी सूर्य की जो किरणें होती है उसको वापस फेंकने की क्षमता उसकी होती है, उसको अल्बेडो कहा जाता है। पृथ्वी का भी एक अल्बेडो होता है, इसको एक माना जाता है, और वो जितने भी सूर्य लाइट्स आती है उसमें से वापस ज्यादातर फेंक देता है। मगर मित्रों, हमारी सुख की अंधी दौड़ जमने की, सुख पाने के लिए और उसके कारण हमने जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा किए, जो क्लाइमेट चेंज कर दिया, जो ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, उसके चलते पृथ्वी की ये क्षमता अल्बेडो अब कम हो गई है। और पिछले 2 दशक का रिकॉर्ड बता रहा है साइंस का, अब तक की जो लेटेस्ट कल रिसर्च प्राप्त हुई है गुरुदेव वेदशाला को, उसके मुताबिक ये अल्बेडो 0.5 कम हो गया, यानी प्रति मीटर 1 वॉट होना चाहिए, उसकी जगह प्रति मीटर आधा वॉट रह गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समंदर इतने गर्म हो चुके हैं कि समंदर का कन्वेयर बेल्ट समुद्री प्रवाह टूट चुका है, उसके चलते उसके ऊपर बादल बनने की क्षमता बहुत कम हो गई। तो समुद्र के ऊपर जो बादल बनते थे, जो पूरे विश्व में फैल जाते थे, वो बादल से रिफ्लेक्ट होकर के सूर्य की किरणें वापस जाती थी, वो नहीं जा पाते क्योंकि बादल ही नहीं बन रहे। दूसरा क्या होता है कि गर्मी के बढ़ने के कारण जो हिमखंड थे, जो जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, हिमालय में है, उत्तर ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में, ये तीनों जगह के ग्लेशियर्स अबाध गति से डेंजरस स्पीड से पिघलते चले जा रहे हैं, उसके लिए उसकी भी जो वापस सूर्य की फेंकने की क्षमता थी किरणों को, वो भी कम हो गई है। तो 0.5% पृथ्वी का अल्बेडो कम हो गया, यानी आधा अल्बेडो कम हो गया है। तो इससे होगा क्या मित्रों? इससे होगा ये कि सूर्य की जो किरणें धरती पर आती है, वो धरती पर से वापिस जाने की जगह 30% केवल वापिस जाती है, बाकी की सब ट्रैप होती हुई चली जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस में ट्रैप होती चली जा रही है। और इसकी वजह है कि गर्मी अभी भी बढ़ती चली जा रही है। अभी सितंबर माह चल रहा है, अक्टूबर माह आ गया है, फिर भी 36 से लेके 41 डिग्री टेम्परेचर चलता है, और हमारी ऋतु चक्र आगे खिसकती हुई चली जा रही है, ऋतु चक्र पूरा का पूरा असंतुलित हो गया। इससे होगा क्या मित्रों? इससे गर्मी इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी कठोर ऋतु आएगी, यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें झेलनी पड़ेगी। इससे साथ में होगा क्या, गर्मी अंदर आ जाएगी तो और वापिस पिघलेंगे ग्लेशियर्स, और वापिस समंदर गर्म हो गए, समंदर गर्म हुए, ग्लेशियर्स पिघले, यानी पूरी जगह पूरा क्लाइमेट दोबारा चेंज हो गया, ज्यादा और चेंज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्रिएट ना भी करें तो भी ये जो चीज है वो अपना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान दे साबित हो जाएगी, यानी कि अल्बेडो धीरे धीरे और कम होता हुआ चला जाएगा। अभी भी हम नहीं संभले तो जो 0.5 मतलब 50% तक अल्बेडो घट चुका है वो और भी ज्यादा नीचे हो जाएगा, और ये बहुत डेंजरस साइन होगी मित्रों हमारे लिए। अभी एक थोड़ा समय कुदरत ने दे दिया है नेचर ने कि अभी हम समझ जाए, करें या मरे, अभी या कभी नहीं, पृथ्वी के लिए करें। माता पर्यावरण अगर वसुंधरा को हमारी माँ मानते हैं, पर्यावरण प्रकृति को हमारी माँ मानते हैं, और हमारे बच्चों के प्रति, नई पीढ़ी के प्रति हमें स्नेह है, तो हमें बोलना नहीं, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के जो चाहे वो सभी चीज हमें करनी पड़ेगी। पिछले वीडियो में जैसे गुरुदेव वेदशाला ने बताया, वो सभी स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे ताकि पृथ्वी का अल्बेडो, पृथ्वी को हमने डिम कर दिया है, वो डिम कर यानी अर्थ का अल्बेडो कम कर दिया है। ये अर्थ का डिमिंग हमारे कारण हुआ है, हम इसके पापी है, हम उसके जिम्मेदार है, हमने घोर पाप कर दिया है मित्रों। ऊपर जाके जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो मित्रों, ये हमें कोशिश करना है कि कम से कम अल्बेडो वापिस होना शुरू हो जाए, फिर से कंट्रोल ऋतुएं कंट्रोल में आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑडिटोरियम। नमस्कार।